समय आपसे जुड़ने का एक विशेष कारण था। आप देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभु श्री राम की आस्था और सनातन से जुड़े लाखों करोड़ों लोग देश और दुनिया में जिस भव्य मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे, सबने अपने अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार राम जन्मभूमि में सहयोग किया, ट्रस्ट दिया। बच्चों ने गुल्लक से दिया, स्त्रियों ने अपने बचत के पैसों से दिया, किसान ने अपनी फसल के पैसे से दिया, मजदूर ने अपनी दिहाड़ी से दिया, व्यापारियों ने सीधा चंदा दिया और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भांति भांति से, कोटि कोटि से, भिन्न भिन्न के आकार विकार और प्रचार से चंदा लगातार एकत्रित कर रहे हैं। किंतु विगत 24-48 घंटों से राम जन्मभूमि न्यास में गाटा संख्या 244-43-46 में जो भूमि में लॉन्ड्रिंग जैसा आ रहा है, जो दलाली निकल कर आ रही है, जो बदनाम प्रॉपर्टी डीलर्स और संघ के लोग और ट्रस्टीज, तो ये एक आस्था पर एक गहरी चोट है। प्रभु श्री राम अनुकरणीय हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाए कि अपने पिता के एक आदेश पर उन्होंने 14 वर्ष वनवास किया, सत्ता का त्याग कर दिया, राजपद भी कुछ नहीं समझा, एक धोबी के कहने पर समाज का की मर्यादा और नैतिकता का इतना पालन किया कि अपनी पत्नी का त्याग किया। तो जो प्रभु श्री राम समाज के लिए इस कदर अनुकरणीय हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने विचार आचार व्यवहार से कहलाए, उनके मंदिर में जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, इस प्रकार की दलाली और सरकार की खामोशी और सरकार उस पर लीपापोती करने की जो कोशिश कर रही है, ये जो हजारों करोड़ का चंदा है, क्या ये चंपत राय की घरेलू संपत्ति है? क्या ये संघ के ट्रस्ट का हिस्सा है? निर्मोही अखाड़ा ने पूर्व में भी अनुदान और चंदे से संबंधित आरोप लगाए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण तोगड़िया Z+ सुरक्षा में रोते हुए पाए गए थे, बहुत बड़े राम भक्त थे। तो ऐसे मनुष्य रौरव नरक में वास करते हैं और पाप के भागी होते हैं, लेकिन जिनकी राजनीतिक दुकानदारी राम पर चलती है, उन्हें चंदा चोरी से क्या आपत्ति हो सकती है? किंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, उनका दो शब्द भी व्यक्त न करना, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस न्यास का गठन का जिक्र उन्होंने सदन संसद में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इसका गठन हुआ, तो क्या इसके चंदे को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? चंपत राय जैसे चंपत हो जाएं और साफ साफ कागजों में इस बात का जिक्र है कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी ने 2 करोड़ रुपए में जिस जमीन को बेचा, जिसमें गवाह के रूप में रवि मोहन और सुल्तान अंसारी साहब थे। रवि मोहन न्यास के मेंबर हैं और सुल्तान अंसारी ये खैर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, ये खरीददार हैं। और मात्र 5 मिनट बाद 5.5 लाख रुपए पर सेकेंड इस जमीन की कॉस्ट बढ़ जाती है। पूरी दुनिया डिप्रेशन से जूझ रही है, अर्थव्यवस्था की दुर्गति है, सारी जो तरक्की है वो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट की संपत्ति में ही है। और ये एक कागज लीक हुआ है, बैनामा उपस्थित है, गाटा संख्या उपस्थित है, रजिस्ट्री उपस्थित है, जो स्टैम्प खरीदा गया है वो भी उपस्थित है, और जो उसके 5 मिनट पहले खरीदा गया है वो भी उपस्थित है। जो गवाह हैं वो अयोध्या के मेयर भी हैं, संघ के प्रचारक भी हैं, साफ साफ संलिप्तता जाहिर है। तो क्यों कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, क्यों कोई बोर्ड मेंबर नहीं था, क्यों कोई ट्रस्टी नहीं था? क्योंकि इसमें तो सीधा अयोध्या के DM भी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी एक ट्रस्टी के तौर पर हैं। तो फिर ये इस प्रकार से क्या ये चंपत राय की कोई व्यक्तिगत संपत्ति है? किस आधार पर इसके बेनिफिशियरीज कौन है? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उनके अकाउंट्स फ्रीज क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों उसको लेकिन अगर सरकार खुद इन्वॉल्व है तो सरकार इसको कैसे एक्सप्रेस करेगी? और जब इसमें करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है तो इसमें ED या CBI को इन्वॉल्व कर ट्रांसपेरेंसी को इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा, जो महत्वपूर्ण है इतना विषय? तो सरकार सिर्फ राम के नाम की दुकानदारी करेगी? भारतवर्ष में हिंदुओं के हृदय की आस्था और उनके धर्म के मर्म का कोई औचित्य है या सिर्फ सरकार की मनमानी चलेगी? और मात्र 5 मिनट बाद अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर हैं, उनकी उपस्थिति में यह जमीन पुनः 18.50 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है और 17 करोड़ का RTGS कर दिया जाता है।
तो स्पष्ट तो होना चाहिए कि भाई चंपत राय जी को ये विशेषाधिकार किसके माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं और देश और दुनिया भर में जो चंदों की वसूली की गई है उनमें क्या निष्पक्षता है। अगर कुछ नहीं है तो फिर इतना धुआं क्यों है? और जब इतना धुआं है और बात धर्म और ईश्वर की है, बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और देशवासियों की आस्था की है, तो निष्पक्षता को प्रदर्शित करने में दिक्कत क्या है, जांच होने में दिक्कत क्या है? तो मुझे लगता है कि इस विषय पर आप अपने विचार जरूर लिखें और जो भी लोग इस प्रकार की दलाली में लिप्त हैं और भगवान का व्यापार करते हैं वो दंड के भागी तो नहीं है, जीवन के अधिकारी नहीं है, तो कम से कम ईश्वर के दंड से हर व्यक्ति को जरूर डरना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हरदेव सिंह जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप अपने स्थान पर है, किंतु इतने प्रमाण उपस्थित हैं कि ये जो गाटा संख्या 243, 244, 246 ये तो एक टुकड़ा है। जब हजारों करोड़ रुपए में लोग बिल्लियों की तरह लगे हैं तो क्यों ना उनको हटाकर नए लोगों को नियुक्त किया जाए, क्यों ना उस चंदे को सार्वजनिक किया जाए, वो तो जनता का पैसा है, वो कोष का पैसा तो नहीं है।